यूपी किस लोकसभा सीट का बेहद दिलचस्प है इतिहास। यहां हर चुनाव के बाद बदल जाता है सांसद का चेहरा। श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं का अंदाज भी निराला है। अब तक के इतिहास पर नजर डालें तो यहां हर चुनाव के बाद सांसद के चेहरे बदलते रहे हैं। नए परिसीमन के बाद अब तक हुए कुल 3 चुनाव में कांग्रेस, भाजपा और बसपा के खेमे के सांसद चुने जा चुके हैं। चौथी बार बीच रही चुनाव के विसात के साथ ही कौन होगा अगला सांसद, इसको लेकर चर्चा का बाजार गर्म हो रहा है। वर्ष 2009 में श्रावस्ती जिले की 2 विधानसभा भिनगा व श्रावस्ती तथा बलरामपुर जिले की 3 विधानसभा तुलसीपुर, बलरामपुर सदर व गैसडी क्षेत्र को जोड़कर श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र का गठन हुआ। परिसीमन के बाद हुए पहले चुनाव में 11 उम्मीदवार आमने सामने थे। कांग्रेस ने विनय कुमार पांडेय और बिन्नू, बसपा ने रिजवान जहीर, सपा ने रुबाब सईदा व भाजपा ने सत्यदेव सिंह को चुनाव मैदान में उतारा था। इसमें कांग्रेस उम्मीदवार ने 2,01,556 मत प्राप्त कर बसपा उम्मीदवार को 42,029 मतों से हराया था। सपा को तीसरा और भाजपा को चौथा स्थान मिला था। वर्ष 2014 के चुनाव में 15 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। भाजपा ने दद्दन मिश्र, सपा ने अतीक अहमद, बसपा ने लालजी वर्मा व कांग्रेस ने विनय कुमार पांडेय और बिन्नू को दूसरी बार मैदान में उतारा। इस चुनाव में रिजवान जहीर पीस पार्टी से चुनाव लड़े थे। परिणाम आया तो सांसद का चेहरा बदला। अतीक अहमद को मिली थी 85,000 वोटों से हार। भाजपा के दद्दन मिश्र ने बाहुबली अतीक अहमद को 85,913 मत से हराया। 3,45,964 मत प्राप्त कर भाजपा उम्मीदवार ने जीत दर्ज की। दूसरे स्थान पर सपा बसपा को तीसरा स्थान व पीस पार्टी इस चुनाव में चौथे स्थान पर रही। कांग्रेस को 5वें स्थान से संतोष करना पड़ा था। तीसरा चुनाव वर्ष 2019 में हुआ। इस बार सपा बसपा में गठबंधन के बाद ये सीट बसपा के खेमे में गई। कुल 11 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे। गठबंधन से बसपा ने राम शिरोमणि वर्मा को उम्मीदवार बनाया। भाजपा से दद्दन मिश्र दूसरी बार मैदान में थे। कांग्रेस ने चेहरा बदलकर धीरेन्द्र प्रताप सिंह को मैदान में उतारा। इसका परिणाम आया तो बसपा उम्मीदवार ने 5,320 मतों से भाजपा को शिकस्त दी। इस प्रकार परिणाम ने सांसद का चेहरा बदल दिया। चौथे चुनाव की घोषणा हो चुकी है। भाजपा ने एमएलसी साकेत मिश्र को उम्मीदवार घोषित किया है। सपा कांग्रेस में गठबंधन के बाद सीट सपा के हिस्से में आई है। ऐसे में सपा बसपा का उम्मीदवार कौन होगा, निर्दल दावेदार कौन कौन हो सकते हैं, इस पर चर्चा करते हुए मतदाता चुनाव के समीकरण बना रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।